हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिंट पे। तो इस चैनल पे सबसे तेज़ अपडेट दिया जाता है, कोई भी वैकेंसी हो, कोई एग्ज़ाम डेट हो, कोई एडमिट कार्ड हो, कोई भी कट ऑफ एनालिसिस हो, सबसे तेज़ दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कल एक RTI रिप्लाई परसों आया था, कल हमने वीडियो बनाया था कि किस कैटेगरी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। एक बार और बता दें आपको कि डिस्क्रिप्शन में हम गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले अपना स्कोर नाम वहाँ पे ज़रूर फिल करें, क्योंकि कट ऑफ बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम बात करते हैं कि हमने RTI के थ्रू आपको बताया था कि इसमें कितना फॉर्म पड़ा है। तो आज हम जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और BD के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना कॉम्पिटिशन रह गया है, इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे बहुत शॉर्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 3500 करीब में है, तो ये जो है ये EWS का है, ये 20,000 लोग OBC के हैं, OBC, ये 17,000 है जो SC का है, SC, ये 5,000 लोग ST में हैं, और ये जो है UR में है यानी जनरल में है। ये ओवरऑल आपके सामने दिखा होगा कि EWS में 3587 लोगों ने पेपर दिया था, OBC में 20,583 लोगों ने, SC में 17,677 लोगों ने, ST में 5,480 लोगों ने, और जनरल में 13,459 लोगों ने, और टोटल की बात करें तो 60,786 लोगों ने बात किया था। अब हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे EWS की बात करें तो EWS में जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी 23, तो EWS में 3587 लोगों ने फॉर्म भरा था, पेपर दिया था, और सीट थी 83। EWS की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो कंपटीशन आ रहा है 156 लोगों का कंपटीशन आ रहा है, यानी एक सीट पे 156 लोगों का फाइट है एग्ज़ाम देने के बाद। एज इट इज़ आगे भी देखते हैं, चल गई देखते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला जो है OBC का है। OBC में हम देखेंगे 20,583 लोगों ने क्या किया था, फॉर्म को पेपर को दिया था, और सीट इसमें कितनी थी, तो सीट इसमें थी 61। तो यहाँ पे जो यदि आ रहा है कंपटीशन 338 लोगों का आ रहा है पर सीट पे एग्ज़ाम देने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं अगले की तरफ, चलते हैं जल्द से जल्द देखेंगे ताकि वीडियो लंबा भी ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, शॉर्ट वीडियो में ही हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा SC का है। SC में जो पेपर दिए थे 17,677 लोगों ने, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो है 34। तो यहाँ से जो आप करेंगे कैलकुलेशन तो एक सीट पे 520 लोगों का आ रहा है। ये ओवरऑल जैसे पॉइंट में हम अगले अंक को ले रहे हैं, जैसे 519 पॉइंट आया है तो हम 520 ले लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं, SC हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ST का, ST में कितना कंपटीशन है। तो ST में जो हमारा 5,480 लोगों ने पेपर को दिया था, और इसमें जो है सीट है 17। तो यहाँ से जब हम कट करेंगे तो 323 पर सीट पे यहाँ पे कंपटीशन है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं जनरल का, जनरल का क्या कुछ सीन है। तो जनरल में हम बात करें जनरल का, तो UR का जो है इसमें जो पेपर दिए थे 13,459 लोगों ने, और इसकी सीट थी 90, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट जनरल में थी। तो इसमें जो पर सीट कंपटीशन आ रहा है वो आ रहा है 150। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कंपटीशन है वो हमारा देखने को मिला है OBC में। OBC में जो हमारा कंपटीशन है एक सीट पे 338 लोगों का है OBC में, और ST में जो नहीं सबसे ज़्यादा है SC में जो हमारा पर सीट कंपटीशन है SC में वो है 520, और ST में जो हमारा पर सीट कंपटीशन है वो है 323। जो मोस्ट ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वाले हैं इसी जोन में सबसे ज़्यादा आपका
क्या है, कंपटीशन हाई है। ओवरऑल कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पर सीट पे 270 लोगों का कंपटीशन है, 270। तो ये जो है, उसके बाद जनरल की बात करें तो जनरल में काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिला है। जनरल में जो हम बात कर रहे हैं जनरल में, तो जनरल में मात्र 150 लोगों का कंपटीशन है। वही EWS की बात करें तो मात्र 156 लोगों का कंपटीशन है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप देख लिया काम, होप करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो, ऑल कर दीजिएगा। थैंक यू।